आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जिनका इस्तेमाल आप अपने गार्डन को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप भी पेड़ पौधों का शौक रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10, बग अ नट। गार्डन में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ होते हैं जिनमें की छोटे छोटे अक्सर फल निकल आया करते हैं। वो छोटे छोटे फल जब जमीन में टूटकर गिरते हैं तो उन्हें कलेक्ट करना अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि गार्डन की साफ सफाई के लिए घास के बीच से उनको निकालना काफी जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक तरीके का ऐसा नट कलेक्टर होता है जिससे कि ये काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। इसमें पीछे की तरफ एक छोटा सा रोलर जैसा लगा होता है जिसके बीच में काफी स्पेस होता है, जिसमें कि नट्स और पत्तियां वगैरह आसानी से फंस जाती है। और इसके पीछे की तरफ एक कलेक्टर लगा होता है जिसमें कि सारी चीजें कलेक्ट होती रहती हैं, जिसे कि बाद में आप क्लीन भी कर सकते हैं। तो बड़ा ही आसान रहेगा नट्स को कलेक्ट करना, जिससे कि आप गार्डन की साफ सफाई भी आसानी से कर पाएंगे। नंबर 9, फिश कार्स एक्सेट। प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि काफी समय लगता है। अगर आप किसी भी पौधे को लगाना चाहते हैं तो पहले तो आपको जमीन में हल्का सा गड्ढा करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप प्लांट को उसमें रख सकते हैं। लेकिन इस काम को अगर आप थोड़ा सा तेजी से करना चाहते हैं तो इसके लिए खास तौर पर बनाया गया है इस गैजेट को, जो कि प्लांटेशन के काम को काफी फास्ट कर देता है। जी हां दोस्तों, इसे खास तौर पर ऐसे बड़े बड़े गार्डन्स के लिए बनाया गया है जहां पर काफी सारे पौधों को एक साथ लगाना पड़ता है, वहां पर ये गैजेट काफी तेजी से प्लांटेशन का काम करेगा। इसके निचले हिस्से में आपको एक क्लिप जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसे कि जब आप जमीन में रखकर पुश करते हैं तो ये जमीन में हल्का सा गड्ढा कर देता है, जिससे कि प्लांट लगाने के लिए प्रॉपर जगह हो जाएगी। और इसके ऊपरी हिस्से में आप किसी भी प्लांट को रखकर एंटर करा सकते हैं और ये सीधा प्लांट जाता है उस गड्ढे के अंदर, जिससे कि ये काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। यानी कि एक पौधा 10 से भी कम सेकंड के अंदर आप लगा सकते हैं इस गैजेट की हेल्प से। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये गैजेट पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नंबर 8, संजोई SBJ802E। गार्डन की साफ सफाई करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक काफी बड़े से ग्राउंड में आपको पत्तियां वगैरह कलेक्ट करनी होती है, जिसमें कि अच्छी खासी मेहनत और टाइम लग जाता है। लेकिन इस काम को अगर आप थोड़ा सा तेजी से करना चाहते हैं तो इस तरीके का वैक्यूम क्लीनर इसमें आपकी काफी हेल्प करेगा। दूसरे, इसे आप एक तरीके का वैक्यूम क्लीनर कम ब्लोअर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको दोनों ही फीचर्स मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपको गार्डन में साफ सफाई करनी है, यानी कि पत्तियों वगैरह को एक जगह पर इकट्ठा करना है, तो इसके ब्लोअर का इस्तेमाल करके ये काम आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पत्तियों या फिर धूल मिट्टी को एक बैग में कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज में ये काफी ज्यादा छोटा सा रहेगा, जिसे कि खास तौर पर आउटडोर्स के लिए बनाया गया है, जिससे कि ये वैक्यूम क्लीनर और ब्लोअर का काम आसानी से कर सकेगा। और आप जब चाहें इसके बैग को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको एक डिटैचेबल कलेक्शन बैग मिलता है, जो कि पूरी तरीके से वॉशेबल भी रहेगा। नंबर 7, लटैच योर कॉटेल। किसी भी गार्डन में ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें की सपोर्ट के लिए आपको दूसरे सहारे की मदद से उसे बांधना पड़ता है, जिसके लिए ज्यादातर हम लोग रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपका गार्डन थोड़ा सा बड़ा है और इस काम को थोड़ा सा आप ऑटोमेटेड तरीके से करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। ये गैजेट की खास बात ये रहेगी कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे प्लास्टिक कोटेड वायर का, जो कि बांधने में बेहद आसान रहता है और जब चाहे आप इसे आसानी से खोल भी सकते हैं। बस जहां पर भी आप इसे बांधना चाहते हैं तो बस इसे लगा दीजिए, जिसके बाद ये उसे अच्छी तरीके से मोड़ एकदम टाइट कर देता है, जिससे कि इसके खुलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वहीं दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप फेंसिंग के दौरान भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप वायर्स की मदद से अच्छी तरीके से टाइट करना चाहते हैं फेंसिंग को, तो ये गैजेट काफी तेजी से इस काम को कर सकता है। तो काफी यूनिक सा ये गैजेट रहता है, जिसके यूजेस भी काफी अलग अलग रहते हैं अलग अलग जगहों पर। नंबर 6, गार्डन वेसल क्लॉप्रो। किसी भी पेड़ पौधे को लगाने के बाद उसके आसपास की मिट्टी को हल्का सा भुरभुरा रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर एयर जाती रहे और उसकी जड़ों तक हवा भी पहुंचती रहे। जिस काम के लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। हालांकि ये काम बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं, लेकिन उससे ये काम काफी स्लो तरीके से होता है। लेकिन अगर आप इस गैजेट को इस्तेमाल करते हैं तो ये काम को काफी आसान बना देगा। इसके नीचे क्लॉज लगी होती है, जिन्हें की आप अलग अलग साइजों में अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही इसे मिट्टी पर रखने के बाद आप हल्का सा पुश करते हैं तो ये क्लॉज पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर धस जाती हैं, जिसके बाद जब आप इसे तेजी से बाहर की तरफ पुल करते हैं तो मिट्टी इन क्लॉस में फंसकर बाहर की तरफ आ जाती है, जिससे कि जमीन के अंदर की मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाएगी और पेड़ों की जड़ों तक आसानी से हवा भी पहुंच सकेगी। इसका इस्तेमाल प्लांटेशन के दौरान भी किया जा सकता है, जिससे कि बीज बोने और छोटे मोटे प्लांट्स को लगाने में काफी आसानी रहेगी और आप मिट्टी में गड्ढा करके आसानी से छोटे प्लांट्स को रख सकते हैं। तो काफी आसान रहता है इस गैजेट को इस्तेमाल करना, जो कि गार्डन लवर्स के लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा। नंबर 5, वीवर।
पेड़ों की छटाई समय समय पर काफी जरूरी होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पेड़ की ऊंचाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हम किसी आरी या फिर कुल्हाड़ी की मदद से उन पेड़ों को नहीं काट सकते। तो ऐसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बनाया गया है खासतौर पर ये गैजेट, जिसका इस्तेमाल करके इस काम को आसान बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की एक्सटेंडेबल सॉ होती है, जिसमें कि आपको लोहे की छोटी छोटी रॉड्स मिल जाएंगी, जिनका इस्तेमाल करके इजीली आप अपनी सॉ के हैंडल को बड़ा कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक सपोर्टर भी मिल जाता है, जिससे कि आरी का इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाएगा और धीरे धीरे करके आप पेड़ों के तने या फिर उनकी पत्तियों वगैरह को काट सकते हैं। तो दोस्तों, पेड़ों की कटाई छटाई के लिए ये गैजेट काफी हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि ऊंचाई वाले पेड़ों पर भी पहुंच करके आसानी से उन्हें काटा छांटा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एक गार्डन लवर हैं और आप इस चीज से परेशान रहते हैं कि किस तरीके से आप अपने बड़े पेड़ों की कटाई छटाई करें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। नंबर 4, हॉलमैन ऑसिलेटिंग स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का वैसे तो इस्तेमाल बड़ी बड़ी फील्ड्स में पानी देने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आपके घर पर भी एक ऐसा छोटा सा गार्डन है जहां पर काफी सारे फूल पत्ती पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उनको पानी देने के लिए आप इस तरीके के सिस्टम का इंतजाम कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ऑसिलेटिंग स्प्रिंकलर होता है, जो कि अपनी डायरेक्शन को थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करता रहेगा। जी हां दोस्तों, इसे नॉर्मल किसी भी स्प्रिंकलर से काफी अलग बनाया गया है, जिससे कि ऑसिलेट करता रहता है अपने ही एक्सिस पर और आपको चारों दिशाओं में पानी प्रॉपर पहुंचाता रहेगा, जिससे कि पूरे ग्राउंड पर पानी का अच्छी तरीके से छिड़काव हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी बड़े गार्डन में पौधों को पानी देना आसान हो जाता है और साथ ही छोटी छोटी ड्रॉप्स की मदद से पानी पहुंचता है, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरे गार्डन में इक्वल रहता है। तो अगर आप भी चाहें इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 3, एवरग्रीन इजी स्प्रेडर। किसी भी बड़ी फील्ड पर बीज के बोने का काम काफी मुश्किल होता है, क्योंकि फील्ड अगर थोड़ी सी भी बड़ी होगी तो आपका काफी टाइम बीज को स्प्रेड करने में चला जाएगा। इसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के स्प्रेडर को, जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। ये एक तरीके की कार्ट होती है, जिसके निचले हिस्से पर एक छोटा सा हॉपर लगा होता है और इस हॉपर में नीचे की तरफ से बीज धीमे धीमे नीचे गिरता रहता है, जिससे कि बीज बुआई का काम आसानी से हो जाएगा। बस आपको इस कार्ट को ऑपरेट करना है पूरे फील्ड पर, जिससे कि ये एकदम इक्वल क्वांटिटी में बीज को चारों तरफ फैला देता है। तो ये कहीं ना कहीं बीज बोने के काम को आसान बना देता है, जिसकी सेटिंग्स को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा लीवर भी लगा होता है, जिससे कि आप हॉपर के साइज को भी एडजस्ट कर सकेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। नंबर 2, अप लॉब ग्रिफर। गार्डन की जब साफ सफाई होती है तो उसमें काफी सारा कूड़ा निकलता है, जिसे कि जनरली हम लोग एक जगह पर कलेक्ट करके फेंक देते हैं। हालांकि इस काम के लिए हम लोग अपने हाथों का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाथों से ही आपको सारा जो है कूड़ा इकट्ठा करना पड़ता है और फेंकना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ऐसा बहुत सारा कूड़ा वगैरह गार्डन में होता है, जिसमें कि कांटे वगैरह होते हैं, और अगर आप हाथ से कूड़े को उठाएंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपके चोट भी लग सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जिससे कि काम बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। इसके पिछले हिस्से में आपको एक छोटी सी ग्रिप दे रखी होती है, जिसमें कि कूड़ा वगैरह आसानी से होल्ड हो जाएगा और आप इसे आसानी से कूड़े को गार्बेज में थ्रो कर सकते हैं। तो काफी सिंपल सा ये गैजेट है, लेकिन इसके यूजेस काफी ज्यादा होते हैं किसी भी बड़े गार्डन में। नंबर 1, 18+1+3-in-1 मॉवर ट्रिमर। अगर आपके गार्डन में काफी ज्यादा घास है और आप उसे सेट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको जरूरत होती है एक लॉन मॉवर की, जिससे कि घास को आप अच्छी तरीके से ट्रिम कर पाए। लेकिन दोस्तों, किसी भी लॉन मॉवर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप बीज के हिस्से को तो अच्छी तरीके से ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन जब बात साइड की आती है तो लॉन मॉवर्स वहां पर काम नहीं कर पाते। तो वहां पर काम आएगा ये गैजेट, जो कि एक आपके लिए लॉन मॉवर और एक नॉर्मल ट्रिमर के तौर पर भी काम करेगा। जी हां दोस्तों, इसे आप डिटैच भी कर सकते हैं, जिसके बाद ये एक ग्रास ट्रिमर बन जाता है, जिससे कि आप साइड की घास को भी आसानी से ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि लॉन मॉविंग के साथ साथ ये ट्रिमिंग का काम भी आसानी से कर सकता है। तो कमेंट करके बताएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करेगा। वीडियो में दिखाया गया किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूटेक गैजेट्स।